करियर पॉइंट पर आज का हमारा टॉपिक है बी रिलेशन एंड फंक्शन, 11th चैप्टर का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2। चलिए अभी करते हैं शुरू। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है? अभी रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहले वही देखते हैं। रिलेशन क्या होता है? संबंध। संबंध का मतलब क्या हुआ? जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में हम क्या करते हैं भाई, ये डिस्कस करते हैं भी ए और बी का क्या रिलेशन यानी संबंध है। जैसे आपका आपके और आपके पिता के साथ क्या है, पिता पुत्र का रिश्ता है। तो वो इस टाइप से रिलेशनशिप हमारे डेली लाइफ में होते हैं, वही रिलेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए रिलेशन होता क्या है, मैथ में एक रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन का मतलब क्या है भाई, एनी सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। क्या कहा? ए क्रॉस बी हमने पिछली वीडियो में निकाल ली थी भी, जो हमने सेट का लास्ट टॉपिक किया था, क्वेश्चन किए थे वहां पर, हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक बार और ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको। यानी ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी समूह जो हमारे क्या बनेंगे, समूह बनेंगे भी, ग्रुप बनेंगे इनके, वो क्या होते हैं, उनका कोई सबसेट यानी उपसमुच्चय क्या होता है अभी हमारा, एक रिलेशन होता है ए से बी के बीच में। सबसेट क्या होगा? उसका रिलेशन कहलाएगा। जैसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लिया मैंने एक सेट दिया ए, एक दो तीन, और एक सेट दिया बी, टू थ्री, और मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे भी, ए क्रॉस बी क्या होगा, वन टू, वन थ्री, टू टू, टू थ्री, और थ्री टू, थ्री थ्री। ये क्या होगा हमारा रिलेशनशिप होगा, यानी ए क्रॉस बी होगी हमारी। अब इसका अगर मैं सबसेट, कोई भी सबसेट उठा के लिख दूं इनमें से, जैसे मैंने लिख दिया वन वन, टू टू, थ्री थ्री, सिर्फ मैंने एक सेट लिख दिया अलग से, ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो गया। तो ये क्या है, अब देखिए इसके अंदर हमारा, सॉरी वन वन नहीं है, वन टू लिख लेते हैं, वन वन तो है ही नहीं हमारे, वन टू, ठीक है भाई। अगर ये लिख दिया मैंने, और ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। अभी देखिए सबसेट बन रहा है, ये भी एलिमेंट है, ये भी है, और ये भी, तो सबसेट तो हो गया हमारा। अब ये क्या है, अगर मैं इसको सी बोलता हूं तो क्या होगा, सी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या होगा, सी एक रिलेशन होगा ए से बी का, जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस टाइप से। रिलेशनशिप आज समझ में भाई क्या है, क्या होगा, ये एक ऑर्डर पेयर का सबसेट होगा, ऑलवेज एक सबसेट होता है। अब एक बात ऑर्डर पेयर की बताते हैं क्या होती है भाई। ऑर्डर पेयर में हमारा क्या होता है, जो मैं सेट लिख रहा हूं, अब देखिए ऑर्डर पेयर इस तरीके से होता है हमारा, एक ऑर्डर पेयर का दो एलिमेंट होते हैं, जो ए होता है वो कहां से बिलोंग करेगा भाई, फर्स्ट सेट से हमारा, और जो बी होगा वो हमेशा किससे आएगा भी, सेकंड सेट से। यानी अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूं तो मेरा ए आएगा पहले एलिमेंट से, पहले सेट से, और बी आएगा सेकंड सेट से, इस तरीके से। ये होते हैं इसके तरीका भी सेट का, ए क्रॉस बी का लिखने का। उसके बाद क्या है अभी, अगर मैं दो ऑर्डर पेयर लिखता हूं और उनकी इक्वालिटी कहता हूं, दो ऑर्डर पेयर लिखे मैंने और उनको बोल दिया मैंने इक्वल है, जैसे मैंने बोल दिया भाई एक ऑर्डर पेयर मेरा वन टू है और ये दूसरा है वन टू। अगर ये ऑर्डर पेयर है, अगर इनकी इक्वालिटी की बात की जाए, सॉरी यहां पे वन टू का तो मतलब ही नहीं, एक्स वाई लिख दिया मैंने, अगर ये ऑर्डर हमारे इक्वल है तो क्या होगा इसका मतलब भाई, ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी का एक ही काम होगा भाई, उसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले के इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा। पहला एलिमेंट पहले के और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो हमारा एक्स का मान एक और वाई का मान कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं भाई। उसके बाद आती है भी हमारी, अगर मैं बात करता हूं ए क्रॉस बी की, तो वो क्या अभी कभी भी इक्वल नहीं होगी बी क्रॉस ए के। ये हम उस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं भी, हमारा क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक्स में आ चुका है। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, कुछ एक हमारी क्या है क्रॉसिंग पर क्या है, कुछ एक क्वेश्चन है। जैसे अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी दे रखी है भी, अब का आप पर दो तरीके इसको करने के, या तो आप बी क्रॉस बी यूनियन सी निकालिए और ए क्रॉस बी निकाल दीजिए। दूसरे किसके इक्वल होता है भी हमारा, ए क्रॉस बी और यूनियन
ए क्रॉस सी के। क्या होता है भी, जो ए क्रॉस बी यूनियन सी है वो किसके होगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के यूनियन के इक्वल होगा। अगर बात है इंटरसेक्शन की, अगर इस टाइप से इंटरसेक्शन है भाई, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये इंटरसेक्शन बीच में आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस सी, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगर माइनस का है, ए क्रॉस बी माइनस सी, तो उसमें भी क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा इस टाइप से, यानी बीच के अंदर शिफ्ट हो जाएगा भी। अगर है दूसरा भाई इस टाइप से ए क्रॉस बी, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नेक्स्ट के दो अभी ये कई बार पूछे गए एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार इनमें से इनको पूछा गया डायरेक्ट, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन सी की क्रॉस किसके साथ, बी इंटरसेक्शन डी के साथ, ये होता है भी हमारा इसका। उसके बाद क्या है भी, अगर मेरा एक और होता है, एक सबसेट है सी का, सॉरी बी का, और सी एक सबसेट है डी का, एक और क्या है भी हमारा, एक सबसेट है बी का, सी एक सबसेट है डी का, तो ए क्रॉस सी भी क्या होगा, सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। याद रखना आपको, अगर ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी हमारा किसके इक्वल होगा भी, बी सॉरी इक्वल नहीं, सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, ठीक है भी। अगर मेरा आता है भी ए क्रॉस बी, ये कह देता है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कभी इक्वल नहीं होते भी, अगर इक्वल बोलता तो एक ही कंडीशन पर हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, अगर ए हमारा बी के बराबर है, अगर ए सेट कंप्लीटली बी सेट के बराबर है, तो हमारा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल आ सकता है, अदरवाइज कोई भी कंडीशन नहीं है इसके अलावा भाई, हमारे ये दोनों बराबर आ जाएं। उसके बाद हमारा अभी जैसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में, देखिए एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड एक्स वाई इफ टू एक्स, और एक क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स टू, शायद कलर के एग्जाम में पूछा गया था इस टाइप से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहां से हमारा क्या बोला था, हमने ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इक्वल की कंडीशन क्या है भाई, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट हमारा एलिमेंट किसके इक्वल है, फर्स्ट के, टू एक्स इक्वल टू सिक्स, और दूसरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, तो एक्स का मान सिक्स बाय टू यानी थ्री, और यहां पे एक्स का मान रखेंगे तो थ्री प्लस वाई बराबर है टू, तो वाई का मान टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू थ्री और वाई इक्वल टू माइनस वन हमारे मान आ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हमारी आती है बात भाई डोमेन कोडोमेन रेंज, ये हमारे क्या है भाई, सेट के जो एक रिलेशनशिप है या एक फंक्शन है उसके मेन पार्ट होते हैं ये तीनों चीजें। क्या है एक बार देखिए क्या बात, किस किस की बात कर रहा हूं मैं, डोमेन रेंज और कोडोमेन। अगर मैं इनकी सिंपल सी डेफिनेशन दूं, डोमेन की वैल्यू मतलब होता है जहां से वैल्यू उठाई जाए, ली जाए या उठाई जाए, रेंज होती है जो वैल्यू आए यानी डोमेन रखने के बाद जो वैल्यू आए, और कोडोमेन क्या होती है भी, रेंज जहां से रेंज उठाई जाए। तो ये इनकी सिंपल सी डेफिनेशन, देखिए क्या है, डोमेन की अगर बात करता हूं मैं एक सेट में एक रिलेशनशिप में, तो जहां से हमारी उसके हमने सेट या फंक्शन रिलेशन सेट जिसकी भी बात करें कोई भी चीज हो उसकी अगर बात करें, तो उसकी जहां से वैल्यू लेगी वो क्या होती है उसकी डोमेन। अगर जो डोमेन वैल्यू रखने के बाद जो मान आता है उसको बोलते हैं हम रेंज, और जो रेंज जहां से उठाई गई हमें वो क्या होता है उसका कोडोमेन, ठीक है भाई। मेन ये दो चीजें हैं, कोडोमेन बहुत कम पूछी जाती है, मेन डोमेन और रेंज पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन दूं डोमेन की, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए फर्स्ट इन ए रिलेशन, क्या कहा भी, अगर एक रिलेशनशिप लिखा मैंने, जैसे सीधा सा लिख दिया ए क्रॉस बी, एक दो, दो तीन, तीन चार, चार पांच और पांच छ, और मैंने ए को लिखा भाई एक से पांच तक, और बी को लिखा मैंने एक से छ तक, बी को क्या है एक से, ए है एक से पांच और बी है एक से छ, ये लिखे। अब मैं इनकी एग्जाम्पल क्वेश्चन से बताता हूं डोमेन कैसे है रेंज कैसे है। अगर बात डोमेन की जाए
तो जो रिलेशन के पहले एलिमेंट है क्या है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या भाई, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, यानी समुच्चय क्या होगा हमारा, डोमेन। जैसे अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 डोमेन बनेगी भाई, 1 2 3 5। अगर बात रेंज की करें तो रेंज क्या होती है भी हमारी इस सेट की, जो सेकंड एलिमेंट है उनका सेट, जैसे ये सब के सब क्या इसकी रेंज है, यानी रेंज क्या बनेगी उस सेट की, 2 3 4 5 6। अब देखिए रेंज को हमने कहां से उठाया है, ए से बी रिलेशन है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, अगर इस तरीके से लिखा है ए से बी, तो ये मेरी डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, ये ध्यान रखना, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, रेंज हमारी वैल्यू रखने के बाद बनती है, ये डोमेन है ये कोडोमेन है। अब कोडोमेन कौन बनेगी हमारी, बी, हमने बी से एलिमेंट उठाए तो कोडोमेन कौन बनेगी, बी, यानी एक रिलेशन लिखते हुए जो एरो के एक साइड होता है वो डोमेन और जो दूसरी साइड होता है, यानी क्या है, जो एरो की तरफ होता है वो कोडोमेन और जो पूंछ की तरफ होता है वो डोमेन होता है। जैसे एक रिलेशन लिखा मैंने, R is defined as such that R is such that natural number to natural number, end to end, natural number से natural number। अगर इसकी domain की बात करूं तो मैं सीधा सा बोल सकता हूं domain क्या है अभी मेरी, ये वाली है। अगर codomain की बात करूं तो मैं ये वाली है, ठीक है। और अगर मेरा एक function, मैं relation क्या देता हूं इसे भी का, x माइनस वन, क्या कहा मैंने, x माइनस वन, अगर मैं एक रखता हूं तो एक जीरो, क्या वो डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा भाई, नहीं करेगा, कोडोमेन में तो नहीं आएगा ना, क्या होगा, कोडोमेन के अंदर आएगा ही नहीं, तो मतलब वो क्या है, डोमेन जो कोडोमेन है वो क्या है, रेंज के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी क्या है, बराबर और छोटी हो सकती है, किससे, कोडोमेन से, जो रेंज होगी वो क्या होती है, हमेशा कोडोमेन से छोटी या उसके बराबर होती है। अब इसमें क्या हो सकता है, बराबर भी आ सकते हैं, डिपेंड किससे करता है, हम रिलेशन किस टाइप का पढ़ रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है उसकी रेंज कोडोमेन के बराबर है या उससे कम है। अगर एक बात करें भाई कोडोमेन की, तो जो हमारा वॉल बी सेट है वो क्या होगा इसका, जैसे रिलेशन दिया गया, एक डिफाइन है, एक दिया है सेट ए बी, ए और एक बी दिया गया, जिसका मैंने एग्जांपल लिखा 1 2 3, और रिलेशन क्या दिया भी, 1 3, आर दिया हमें 1 3 2 4 3 5 और क्या दिया भी 4 6, ये दिया भी, और ए दिया है हमें 1 2 3 4 और बी दिया है भी 2 3 4 5 6। अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो डोमेन में कौन कौन आया भी, 1 2 3 4, यानी वॉल सेट ए क्या बन गया इसकी, डोमेन। अगर रेंज की बात की जाए तो क्या बनेगी भाई, 3 4 5 6, रेंज क्या बनी 3 4 5 6, और कोडोमेन हमने बी से उठाई है तो वॉल क्या बन गई, ये कोडोमेन क्या बन जाएगी, बी हमारा वॉल सेट क्या बन जाएगा इसका, कोडोमेन बन जाएगा भाई इस टाइप से। अच्छा भाई एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा भाई, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू दे दी हमें, सिर्फ क्या कहा, ए क्रॉस बी का मान देके, ए क्रॉस बी, पी क्या हुआ, पी आर, एम क्यू, एम आर, ये दे रखे हैं भी हमें, पी क्यू पी एम, हाँ ठीक है, ये देखा भाई, इसमें पूछा इसने ए और बी को फाइंड आउट करो, ए और बी को फाइंड आउट करो, तो क्या करते हैं हम, अगर हमें इस टाइप से दिया और क्या लिमिट नहीं बताई भाई कहां से कहां तक डिफाइन है, तो हमें क्या मानना, जो डोमेन है वो किसके बराबर है, कोडोमेन है वो किसके बराबर, रेंज के। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, पहले सेट से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, पहले सेट से, पी पी एम एम, पी पी एम एम, ये बना, बट एक सेट में डबल एलिमेंट काउंट नहीं होते, यानी सिर्फ एक काउंट रहेगा, तो ये हम हो गया।
इसी तरीके से बी में लास्ट एलिमेंट किसके लिए होते हैं, बी के, क्यू आर, क्यू आर, अब क्यू भी दो बार, आर भी दो बार, तो ये भी डिफाइन। तो हमारा पी का मान ए क्या बन गया, पी एम, और बी क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर। इस टाइप से हमारा ये एक सेट से हम नंबर निकाल सकते हैं उसके एलिमेंट्स के भी, और मतलब जो हमें उसके एलिमेंट निकाले वो भी हम बता सकते हैं जब हमें क्या दिया हो, ए क्रॉस बी यानी ए से बी तक का रिलेशनशिप दिया गया हो हमारा इस टाइप से क्वेश्चंस में। उसके बाद हमारा आता है अभी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जो हमारे रिलेशन है वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए पहला क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आइडेंटिटी रिलेशनशिप। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है भी, जब हमारा क्या हो एक सेट के अंदर, क्या हो भी एक सेट के या रिलेशन के अंदर को आइडेंटिटी कहेंगे, जब क्या उसका प्रत्येक तत्व का समय से ही संबंध हो, यानी सेल्फ रिलेशनशिप। क्या होता है सेल्फ रिलेशनशिप ही क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन यानी सेल्फ का सेल्फ, सेल्फ डिपेंडेंस जब होते हैं तो क्या होती है आइडेंटिटी, यूनिक। तो क्या होता है इसको लिखने का तरीका, आर इज सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, या ए एक्स कोमा एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, लगा लो या बी लगा लो, मतलब जो सेट दिया गया वो से। तो ये हमारा क्या है एक्स हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है उसका खुद के साथ, जैसे वन वन, टू टू, थ्री थ्री, तो इसका मतलब ये क्या है एक सेट आइडेंटिटी रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप है ये कैसा है हमारा आइडेंटिटी रिलेशनशिप। उसके बाद यूनिवर्सल की क्या आती है भी, अब इसका मतलब क्या यूनिवर्सल की, जब क्या हो भाई ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के ही प्रत्येक एलिमेंट के साथ जुड़ो, क्या हो ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के ही प्रत्येक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक रिलेशन। जैसे अगर ए का हमारे दो सेट हैं एक दो, तो इसका मतलब क्या है भी यहां पे कितने रिलेशनशिप बनेंगे, दो इसके साथ चार, तो क्या बनना चाहिए वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, तो ये क्या मेरा एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। देखिए एक का एक के साथ भी और दो के साथ भी रिलेशनशिप है, दो का एक के साथ भी और दो के साथ भी रिलेशनशिप है, तो ये हमारा क्या होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशनशिप। अब उसके बाद यूनिवर्स रिलेशनशिप, अगर मेरा एक रिलेशनशिप दिया गया ए से बी, ए से बी एक रिलेशनशिप दिया गया है, जैसे क्या कहा भी ए से बी एक रिलेशन दिया गया, किस टाइप से ए क्रॉस बी लिख लो या रिलेशनशिप, वन वन, टू वन, सॉरी वन टू, टू वन, टू टू और टू थ्री, इस टाइप से दिया गया भी हमारा। अगर ये मेरा ए से क्रॉस बी है तो इसका इनवर्स का मतलब क्या है, बी क्रॉस ए निकाल देना, यानी इसके जो एलिमेंट उनको पलट के लिख दीजिए, वन वन तो ऐसे कैसा, ये क्या होगा टू वन, ये वन टू, टू टू, ये थ्री टू, तो ये क्या इसका इनवर्स रिलेशनशिप, क्या होगा भी इनवर्स रिलेशनशिप। अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए निकाल देने पर वो क्या निकल आता है उसका इनवर्स रिलेशनशिप, और इसको किससे दर्शाया जाता है आर माइनस वन। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था भी हरियाणा कलर्क में, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया था आर इनवर्स निकालना उसमें, तो बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था भी आर इनवर्स कैसे निकाले, जब इसमें हमारा एक इनवर्स तो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा, सिर्फ इनवर्स मैट्रिक्स में पढ़ा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ा, एक सेट का तो हमने पढ़ा ही नहीं इनवर्स कैसे होता है। तो इनवर्स का मतलब क्या है, जो उसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को आपको क्या करना है पोजिशन चेंज करके लिख देना है। अगर ए बी दिया गया उसकी जगह क्या कर देंगे आप बी ए कर देंगे, तो आपका वो क्या होगा ये सिंपल होगा, ये क्या होगा इनवर्स बन जाएगा उस फंक्शन का। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।